Hey guys, good morning and welcome to new vlog. और अभी हो रहा है obviously किचन में और मम्मी जी काट रही हैं अभी भुजिया। उतना नहीं काटी है ना मम्मी जी, उतना में हो जाएगा। फिर करेला भी काटिएगा ना, इतना भिंडी का भुजिया होगा, फिर उतना करेला होगा, फिर चोखा होगा, छोड़ दीजिए। फिर शाम में कोई ये सब खाएगा नहीं, फिर छोड़। हाँ उतना रख दीजिए, आप काटे जा रही थी, हम आपको नहीं टोकते था, पूरा काट देती। देखिए देखिए, गिर रहा है, गिर रहा है। हम हमेशा सही आते हैं। क्या क्या बोली क्या बोली क्या बोली बोली नहीं नहीं, चोखा बड़ा कम है, ठीक है तो रह जाता है ना, लास्ट में आप ही अति करती हूँ। चोखा कम खाइए, हम भुजिया खाइए, सुनो ना। हाँ उसी में साइड में रखिए ना, इधर पपीता काट देते हैं, पपीता तो खा जाइए, अब कल कच्चा था, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, पका पका साइड का काटते हैं, ठीक है इधर कच्चा है, इधर ही काट। तो यहाँ पे बन रहा है भिंडी का भुजिया और यहाँ पे छनाएगा चिप्स। ये दिस इज होम मेड चिप्स, मम्मी भेजी थी, बहुत अच्छा लगता है ये। ये बनता है आलू का, खोलिए तो देख सकते, तो ये बनता है आलू का, आप देख सकते हैं। और हाँ सब्जी रखा हुआ है। और ये बनता है चावल का, चावल पीस कर। मम्मी जी कभी नहीं बनाई है, नहीं ना। हाँ अपने बचपन में, अपने बचपन में मम्मी के साथ मिलकर। रुको रुको भैया, जल्दी निकलो यार। हाँ थोड़ा सा और तेल रखिए ना, तो फिर ना ना एक बार मम्मी खा लो, रुको ना तुम। भुंजिया पता है ऐसा ठीक होता है, मम्मी जी इसको पूरा एकदम क्या कर देंगी, सब उसको लाल लाल कर देंगी, क्रिस्पी। गैस बंद है क्या? ये बड़ा कढ़ाई है ना, इसलिए नहीं हुआ। ये एक ही बार में निकाल दिया है क्या? पानी चेंज करने से अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। देख रहे इसमें जड़ आ गया। नया दे दे पानी में जल्दी कराती हूँ। इसमें भी जड़ आ गया, देख रहे हैं। ये अंदर रहने वाला प्लांट है, पानी इसको दीजिए और अंदर रखिए, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। ये माटी वाला नौ है। इसका लीफ भी धो देते हैं, गंदा हो गया ना पत्ता। सोच रहे हैं इसको काट दे, इसको यहाँ से काट दे ना। हाँ तो लाइए अभी, आज काट ही दे। सो एज यू कैन सी ये हो चुका है कट, और अब मैं इसमें रखूँगी अपना मनी प्लांट। उस वो जो था ना बॉटल, बॉटल में बहुत ज़्यादा ये हो जाता था, पता है आपको क्या बोलते हैं, देख रहे हैं इसका कितना छोटा सा है, इसमें बहुत दिक्कत होता था। अब इसमें अच्छा लगेगा। और वो बॉटल अच्छा भी नहीं लग रहा था, बॉटल ऐसा लग रहा था। वाह अब ये देखिए तो मम्मी जी कितना सुंदर लग रहा है, यार इसको रख देते हैं। एक और कट कर दें क्या? वाह कितना सुंदर लग रहा है मम्मी जी, इधर आइए इधर आइए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना फ्लावर पॉट की तरह, ऐसा लग रहा था, बॉटल बॉटल लग रहा था। हो गया, यहाँ गिलास हो रहा था, यहाँ हो रहा था, वो उधर रखेंगे, यहाँ भी बस आपको दिखा रहे हैं, यहाँ रखेंगे। कितना सुंदर, सो हम लोग नहा लिए हैं और आज है क्या बोलते हैं उसको, सैटरडे, तो आज बनेगा खिचड़ी।
और खिचड़ी ऑलमोस्ट मम्मी जी बना दी है, बस सीटी लगाना बाकी है। आपका खिचड़ी इतना अच्छा कैसे होता है, पहले छेक देती है इसलिए क्या? वेट, देख सकते हैं ये सोयाबीन डाला हुआ है इसमें, ज़्यादा टेस्टी लगता है। नमक ज़्यादा तो नहीं है, अब बस सीटी लगाना है ना। मैंने एक दिल वाला चिप्स खा लेती, मेरे को बहुत मन कर रहा है। पता ये वाला ना बहुत टेस्टी लगता है, आपको अच्छा लगता है? इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है तो खा लो। मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, मैगी बनाने वाला अभी नहीं खाएंगे इसको, इसको बना के रख देते हैं फ्रिज में 2-3 घंटा, और जब ये ठंडा हो जाता है ना तब मैं खाती हूँ। हाँ सेवाई जैसा खाएगा ना, थोड़ा सा ना, ना खाएगा। थोड़ा सा खा लीजिए, पता है ये ना हम बचपन में बहुत खाते थे, लिटरली बहुत ज्यादा अजीब है मैगी, दूध कोई नहीं खाता है, लेकिन बहुत साल के बाद बना रहे, बहुत मन करता है कभी कभी, नहीं लगता है कि बचपन में कुछ खाए हुए तो मन करता है। सो अभी मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, बेसिकली मैगी दूधवा वाला अथी मिक्स कर, तो मैगी मैं ना मसाला में नहीं बना रही हूँ, मैं दूध में बना रही हूँ। और 1.5 किलो दूध दे गई। और ये बहुत पहले मैं खाई थी बचपन में, लाइक जब मैं छोटी थी तब। हो गया मम्मी जी, हो गया, कितना बोलिएगा, कितना बोलिएगा। और ये दूध में मैगी ना मैं बना के रख देती हूँ, और जब वो कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है फ्रिज में तब मैं खाती हूँ, और बिल्कुल सेवई जैसा लगता है, सेवई से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे को। सो अपना अपना खाने का तरीका है, बड़ा अजीब है बट इट्स ओके, अच्छा लगता है मेरे को इसलिए। जब मैं छोटी थी ना, लाइक बहुत छोटी थी मैं, और आई गेस मैगी स्टार्टिंग आया था मार्केट में, तो मम्मी ना मसाला नहीं डालती थी उसमें, मम्मी ना दूध में जैसे सेवई होता है ना वैसे बॉईल कर देती थी और तब बनाती थी, और उसमें थोड़ा चीनी डाल देती थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। और आज मन कर रहा है खाने का इसलिए, तो आज मैं वही जा रही हूँ बनाने, और इसको मैं ना रख दूँगी फ्रिज में, ठंडा हो जाता तब आता है मज़ा खाने में। बस कुछ नहीं करना होता है, बस दूध बॉयल कीजिए, उसमें मैगी डाल दीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए, थोड़ा देर बॉयल कीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए, दैट्स इट। और मम्मी जी हवा ले रही हैं, हवा से मम्मी जी को बहुत ये है, प्रेम। एक काम करते इसको ना ये कर देते हैं, आप यहाँ पे बैठ जाइए, उधर से हवा लीजिए, बंद हो जाए। आपका बस चले तो आप करेंगे ना मम्मी जी? और ये मैगी मसाला मैं डालूंगी मम्मी जी के भिंडी के भुंजिया में, बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाला है, खाइएगा ना, खाइएगा ना, देखिए बहुत ज्यादा टेस्टी लगे, सही मजाक नहीं कर रहा, नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, ठीक है कल बनाएगा, शाम में भिंडी का भुंजिया बनेगा ना तब, या कल बनेगा तब उसमें डालेंगे। अब तो अभी अभी तो बन गया भिंडी का भुंजिया, ये दूध बॉयल हो रहा है, अब इसमें जाएगा मैगी, और बस ये थोड़ा सा ये होगा, मैं ना इसमें मिश्री डाली थी, इसमें हो जाएगा मीठा। सो एज यू कैन सी मेरा मैगी हो चुका है, इसको मैं 1 घंटा बाहर रखूंगी ऐसे ढक के, और फिर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी उसके बाद। सो मेरा मैगी रेडी है, कुछ नहीं मम्मी जी, सो एज यू कैन सी ठंडा ठंडा मैगी खाने का मजा कुछ और है, वो भी ये वाला, तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये खा के ना बचपन का याद आ गया, खाए मम्मी जी पेट क्या ना, मम्मी जी मैगी खाती है तो उनको उल्टी जैसा मन करता है, ना ना हमरा ना पचाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी हमने खाना।
डरी नहीं मेरी प्यारी बब्बी जी, क्या कर रही है? भूख लगा हुआ है। ओ हाँ, तो थोड़ा सा खिचड़ी खा ही लिए ना हम लोग, तो फिर थोड़ा सा इसी में से दो दाना खा लीजिए ना, अब भूख नहीं खाऊंगी मैं, बस थोड़ा सा खाऊंगी दो दाना। वैसे हम लोग खिचड़ी खा ही लिए तो हो ही गया, बहुत अच्छा हुआ। चलो चलिएगा छत पर, मेरी प्यारी मम्मी।